हेलो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है एस रैम भारसेस डी रैम तो आज का क्वेश्चन भी है डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम एस रैम डी रैम पहला पॉइंट इट फुल फ्रॉम इच स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी एस रैम की जो फुल फ्रॉम होती है वो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और इट फुल फ्रॉम इच डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम की जो फुल फॉर्म होती है वह है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उसके बाद अगला पॉइंट एस राम इच यूज इन द कैश मेमोरी यानी एस रोम कैश मेमोरी में यूज किया जाता है और डी रोम इच यूज इन द मेन मेमोरी और डी रोम को मेन मेमोरी में यूज किया जाता है उसके बाद अगला पॉइंट एस रैम इच फास्टर यानी एस रैम तेज होते हैं और डी रैम इच स्लोअर और डी रैम स्लो होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट एस रैम रिक्वायर्स मोर पावर यानी एस रैम को ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है और डी रैम रिक्वायर्स लेस पावर और डी रैम को कम पावर की आवश्यकता होती है उसके बाद अगला पॉइंट जेनरेट मोर हीट यानी एस रैम ज़्यादा हीट जेनरेट करती है और जेनरेट लेस हीट यानी डी रैम कम हीट जेनरेट करती है उसके बाद अगला पॉइंट एक्सपेंसिव यानी एस रैम महंगा होते हैं और इनएक्सपेंसिव यानी डी रैम सस्ते होते हैं उसके बाद अगला पॉइंट एस रैम स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स यानी एस रैम की जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत जटिल होते हैं और डी रैम स्ट्रक्चर इज सिंपल और डी रैम की जो स्ट्रक्चर होती है वो सिंपल होता है उसके बाद अगला पॉइंट रिक्वायर मिनिमम टाइम टू एक्सेस डाटा यानी SRAM रैम को डाटा एक्सेस करने के लिए मिनिमम टाइम की ज़रूरत पड़ती है और रिक्वायर्स मोर टाइम टू एक्सेस डाटा और डी रैम को डाटा एक्सेस करने के लिए ज़्यादा टाइम की आवश्यकता होती है उसके बाद अगला पॉइंट एस रैम हैच लो पैकेजिंग डेंसिटी यानी एस रैम लो पैकेजिंग डेंसिटी है और डी रैम हैच हाई पैकेजिंग डेंसिटी और डी रैम हाई पैकेजिंग डेंसिटी है उसके बाद अगला पॉइंट एस रैम यूजेस ट्रांजिस्टर टू स्टोर ए सिंगल बीट ऑफ डाटा यानी एस रैम सिंगल बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए ट्रांजिस्टर की यूज करती है और डी रैम यूजेस ए सेपारेट कैपेसिटर टू स्टोर ईच बिट ऑफ डाटा और डी रैम प्रत्येक बिट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए सेपरेट कैपेसिटर की यूज करती है उसके बाद अगला पॉइंट है नॉट रिफ्रेश द मेमोरी सेल यानी एस रैम की जो मेमोरी सेल होता है उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नीट टू रिफ्रेश द मेमोरी सेल और डी रैम की जो मेमोरी सेल होता है उसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है तो यथा कुछ डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना